अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो दार्जिलिंग जाने के लिए आप वो कैसे जाएंगे? तो पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा आप कहाँ से जाएंगे। आप अगर रेलवे से जाएंगे, रेलवे स्टेशन से जाएंगे, ओके बाय रेल जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा एनजीपी रेलवे स्टेशन। एनजीपी रेलवे स्टेशन उतर के आपको जाना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, राइट। आप बागडोगरा एयरपोर्ट से फ्लाइट से आप उधर से जा सकते हैं। और उधर से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए आप अगर प्राइवेट गाड़ी लेते हैं तो वगनर और ऑल्टो ले सकते हैं। 2500 के अंदर में एनजीपी रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको गाड़ी मिल जाएगा। और अगर आप टाटा सुमो में जाना चाहते हैं 350 से 400 रुपीज़ आपको लगेगा उधर पहुंचने के लिए, दार्जिलिंग पहुंचने के लिए। इट इज़ अबाउट अराउंड 70 किलोमीटर्स, तो आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा आपको पहुंचने के लिए दार्जिलिंग। हम रुके थे दार्जिलिंग में मेफेयर होटल के पास, राइट। और जो मॉल रोड है, मॉल रोड के आसपास में ही सुमित ओगडिन होटल, दैट इज़ ए 3-स्टार प्रॉपर्टी। वहाँ पे जो उनका जो हॉस्पिटलिटी इज वेरी गुड एंड होटल ऑल्सो बहुत अच्छा है। एंड आपको व्यू वाला रूम भी, आपको वहाँ पे माउंटेन व्यू वाला रूम भी मिल जाएगा। आप अलग होटल भी चूज कर सकते हैं, बट मैं उधर रुका था और मैं आपको ये वाला गैंग आपको दार्जिलिंग वाला सीरीज में मैं आपको उसको वो वाला दिखाया भी हूँ कि वो होटल कैसा है, द सुमित ओगडिन होटल, राइट। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल होटल एंड बेस्ट होटल, गुड होटल। उनका एटमोसफियर बहुत अच्छा है, राइट। फूडिंग भी अच्छा है, आप उनका बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट, ओके। एंड आपको अगर घूमना है वहाँ पे तो 7 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स आप उधर घूम सकते हैं। 2000 रुपीज आपको कोई भी वगनर से, 4 पीपल के लिए, आप 2 पीपल है अलग है, 4 पीपल है, तो आपको 2000 रुपीज में पूरा जो 7 पॉइंट 10 पॉइंट्स है वो आपको 100% घुमा देगा। डाली मोनेस्ट्री, जापानीज पीस पोगोडा एंड टी गार्डन एंड जू, श्रीवास्तिया लोप, ओके, ये सब घूमना 100% मत भूलिए। ब्यूटीफुल है दार्जिलिंग एक्चुअली। और वहाँ पे जो बर्फी मूवी का जो शूटिंग हुआ था, जो क्लॉक टावर, राइट, वहाँ पे एंड मॉल रोड पे आप शाम को घूम सकते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो ऑथेंटिक बंगाली फूड अगर आपको खाना है, वेज थाली, चिकन थाली, फिश थाली, पम्फ्रेट थाली या मटन थाली, तो आप महाकाल रेस्टोरेंट जो मॉल रोड है, जस्ट मॉल रोड का जस्ट ही नीचे, राइट, पास में ही पूरा आपको मिल जाएगा महाकाल रेस्टोरेंट। आप महाकाल रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, ऑथेंटिक बंगाली फूड आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ हटके ट्राई करना चाहते हैं तो मस्ट ट्राई केवेंटर्स, और जो 100 ईयर्स पुराना जो रेस्टोरेंट है केवेंटर्स, आप केवेंटर्स ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप ग्लेनरी भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब मतलब ये बहुत अच्छा है एंड ऑथेंटिक कोजिन, उधर का कोजिन आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दार्जिलिंग। आप पूरा सीरीज में आप देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं एक एक करके सीरीज पार्ट बाय पार्ट आपको पूरा कवर किया हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दिया। थैंक यू वेरी मच। ये चेक इन पॉइंट है सुमित ओगडिन होटल का, राइट, दिख पा रही है सोफा। थैंक यू वेरी मच। ये है सुमित होटल का, सुमित ओगडिन होटल का रूम में हम चेक इन किया, रूम नंबर 301, ओके। सो मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, रूम टूर दे रहा हूँ। पहले आप एंट्री करेंगे, आपको वार्डरोब एक मिल जाएगा, राइट। एक्चुअली मैं कोई ट्रिप से मैं बुक किया था, कितना रेट है वगैरह मैं थोड़ा देर में आपको बताता हूँ, राइट। ये 3-स्टार प्रॉपर्टी है, ओके। इधर बैठने के लिए और एक टी टेबल बैठने के लिए बहुत बढ़िया है चेयर। और ये बेड का सजावट देखिए, 6 पिलो दिया है, अच्छा ये अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब ठीक ही है और स्पेसियस है, मेन चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेस है। अरे एक वर्क स्टेशन है, राइट, ये गरम करने के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए पानी, और ये कॉफ़ी और चाय का सामान है, राइट, कॉफ़ी और चाय का नेस्कैफे ये दिया है, ये शुगर, ये एवरी डे नेस्ले का ही जो दूध, राइट, और एक एलसीडी टीवी, टेलीफोन है वहाँ पे, और इधर से व्यू है पूरा पहाड़ का और ये का,
व्यू वाला रूम दिया है, बट आज फॉग है, वेदर खराब है, बट इसीलिए नहीं दिख रहा है अच्छा। तो ये बोले इट्स ए वेरी बिग रूम, बिग रूम एंड गुड ऑथेंटिक रूम, वुडन फ्लोर, पूरा वुडन फ्लोर है ये साइड, मतलब मार्बल फ्लोर है बट ये पूरा वुडन फ्लोर है। ओके एंड ये मिरर, ये बहुत बड़ा मिरर राइट। और मैं आपको बाथरूम दिखा दे रहा हूँ, ये वॉशरूम, ये हेयर ड्रायर एक है, हेयर ड्रायर, सिंक, और ये टॉयलेटरी आइटम है, आयुर्वेद बॉडी लोशन और ये शैम्पू। अच्छा ये अब वेस्टर्न टॉयलेट, और ये दो टॉवल, ये शावर, डिसेंट शावर एरिया अलग, एकदम डिसेंट ये है, मतलब क्या बोलते हैं, बाथरूम भी डिसेंट बाथरूम है, क्वाइट गुड, मेक माई ट्रिप मतलब क्वाइट गुड देगा मेरे को मालूम था। एंड रेट हमको 3 दिन का हम बुक किया, 6,750 रुपीज के करीब पड़ा राइट, बट इट इज वर्थ मनी, मतलब पैसा वसूल आप समझ सकते हैं, इट्स ठीक ही है, मतलब प्राइस के हिसाब से इट्स होटल इज गुड एंड हॉस्पिटलिटी ठीक है। हमको पिकअप करने के लिए भेज दिया था उधर राजभवन के पास, पिकअप करके लेके आए। ये इनका छोटा सा गार्डन, ये देखिए ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ पे राइट। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मोर ट्रैवल में आपका स्वागत है। आज हमें दार्जिलिंग में ऑगडेन होटल पे, धीरे धीरे करके सब ब्लॉग आएगा, सीरीज करके आएगा राइट, मैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, कितना खर्चा होता है, क्या होता नहीं होता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, कर दीजिए 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम कर दीजिए राइट, तो मेरे को एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। भाई के लिए थोड़ा दुआ रखिए, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। ये है उनका रेस्टोरेंट एरिया ऑगडेन होटल का, सुमित ऑगडेन होटल का राइट। देवी जी अभी वहाँ पे फोटो उठा रहे हैं, दिस इज द ये रेस्टोरेंट एरिया है राइट, दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया। ओके दिस इज द टेरिस एरिया ऑफ ऑगडेन होटल, ये टेरिस्ट एरिया, आप यहाँ पे बैठ के आराम से चाय कॉफ़ी ले सकते हैं एंड बैठ के बाहर का जो नज़ारा है, बाहर का नज़ारा आप उठा सकते हैं। बट इतना घना कोहरा कोहरा है, मतलब फॉग है, कि बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, रेन मतलब रेन चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा फॉग है, वेदर क्लियर नहीं है इसलिए बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है, बट इधर से बहुत अच्छा मतलब व्यू आता है राइट। यहाँ से होटल को जैसा दिखता है टेरिस से राइट।